हंगामेदार विधानसभा स्थगन के बाद अब विपक्ष राजभवन मार्च करके अपने आक्रोश को प्रकट कर रहा है। पूरा विपक्ष एकजुट है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इसका नेतृत्व कर रहे हैं। उनके साथ कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, राजद प्रवक्ता भाई वीरेंद्र, प्रेमचंद्र मिश्रा, रामचंद्र पूर्वे समेत विपक्ष के तमाम बड़े नेता हैं। विधानसभा में बैठक खत्म होते ही यह राजभवन मार्च शुरू हुआ है और राज्यपाल से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव का कहना है कि वो मामले के पूरे अपडेट्स बताएंगे। मगर आपको बता दें कि विधानसभा में विपक्ष अपनी बातों को लगातार उठा रहा था, जिसके हंगामे के बाद हर रोज इसको स्थगित करना पड़ा, लेकिन आज हंगामे के बीच ही दो महत्वपूर्ण बजट को पास कराया गया है। देखो आप देख लीजिए, थोड़ा सा आग्रह है, सुने आप लोग बहुत सीनियर लोग हैं, राज्यपाल से मिलने के बाद जो समस्याएं उत्पन्न हुई है विधानसभा में, उसको लेकर शिकायत पत्र राज्यपाल को बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सौंपेंगे। उनके साथ जीतन राम मांझी भी है, तमाम बड़े नेता हैं। इस बीच राजभवन की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। विपक्ष को के आक्रोश को देखते हुए राजभवन के बाहर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। हमारे सहयोगी देवांशु प्रभात और सुजीत सागर लगातार आप तक वो तस्वीरें पहुंचा रहे हैं हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से। हम भी तमाम अपडेट्स से आपको लगातार अवगत करा रहे हैं, इसीलिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। बिहार से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।